जो कंपनी ने इशू इश्यू करी डिबेंचर इश्यू करी वो उसके एंट्रीज ऑलरेडी वी नो दैट इश्यू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिबेंचर उसके कवर भी नहीं कर एस-13 के थर्टीन इन्वेस्टर अपनी बुक्स में कैसे अकाउंटिंग करें वो हमको यहाँ पे आ, सीखना है अब डेफिनेशन कवर तो okay, करता हूं कि इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्या होता है यहां पे लेकिन आपको जब क्वेश्चन जो फुल फ्लेज वाले क्वेश्चन सी एनसीट के आपको इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाने के लिए बोलता हूँ बेसिकली जो सेशन है हम लोग इन्वेस्टमेंट अकाउंट में आपको ये डिस्कस करें कि इन्वेस्टमेंट अकाउंट आपको किस तरीके से बनाना होता है ओके okay? तो पहले हम इसकी मीनिंग देख लेते वो मीन बाई इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट आर एसेट हेल्प बैन एंटरप्राइज फॉर अर्निंग इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंट्स इंटरेस्ट इन रेंटल फॉर कैपिटल अप्रिसिएशन और फॉर अदर बेनिफिट टू द इन्वेस्टमेंट एंटरप्राइज इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग इज डन एज पर अकाउंट थर्टीन अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट तो बेसिकली आपसे कहते हैं कि कोई इन्वेस्टमेंट क्या कैसेट है जिसको आप इन्वेस्ट कर दो रिटर्न मिलता है रिटर्न किस फॉर्म में मिलता है दैट मे बी दम ऑफ डिविडेंट शेयर केस में इंटरेस्ट इन दम ऑफ डिचर रेंटल इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी या कैपिटल अप्रिसिएशन अगर कोई आप लैंड uh, में इन्वेस्ट करे या आपने कोई गोल्ड में इन्वेस्ट करे तो उसकी अप्रिसिएट होती वैल्यू या अदर बेनिफिट फॉर एग्जाम्पल बोनस या आपको कंट्रोल आता है कोई कंपनी के शेयर परचेज करने से अब यहां पे एक्चुअली इस चैप्टर में लेकिन हमको सिर्फ कवर इन्वेस्टमेंट तो इन्वेस्टमें बहुत तरीके के होते हैं लेकिन जब इन्वेस्टमेंट अकाउंट हम कवर करेंगे लेकिन सब आपको सिलेबस में कि आपने को सिक्योरिटीज में अगर आपने इन्वेस्टमेंट करें तो वही आपको कवर होता है फॉर एग्जाम्पल आपने कोई कंपनी के शेयर परचेस करे या डिबेंचर और बॉन्ड्स परचेस करे तो वो इन्वेस्टमेंट की हमको अकाउंटिंग कैसे कर रहे इन्वेस्टमेंट अकाउंट हम कैसे बनाए वो हम लोग को यहाँ पे रिवाइज करें तो इस अकाउंटिंग इसमें हम लोगों को यहां पे पांच चीजें मुझे आपको सिखाना है पहला जो हम लोग यहाँ पे रिवाइज करें मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट जिसके बारे में हम लोगों ने बात की कि कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में क्या क्या चीज आती क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होता है और वैल्यूशन उसका वैल्यूशन किस तरीके से करें और इन्वेस्टमेंट अकाउंट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपका

तो जब आपने खरीदो इन्वेस्टमेंट में तो उसमें को ब्रोकरेज और स्टैंप ड्यूटी को ब्रोकरेज स्टैंप ड्यूटी जो भी हमने पे कर उसको ऐड करना होता तो हमने ब्रोकरेज और स्टैंप ड्यूटी को हम लोग को क्या करना होता है उसको ऐड करना होता ठीक है लेकिन जब भी आपने कोई इन्वेस्टमेंट को बेचे क्योंकि आप परचेस करते हुए उसके लिए तो आप जो को क्या करते, करते लेकिन जब भी आपने को को बेचे हो, जब भी आपने को बेचे हो तो आप उस सेल वैल्यू में से को क्या करना होता माइनस करना होता है तो जो भी सेल वैल्यू रहेगी उसमें से तो ब्रोकरेज स्टैंप ड्यूटी हम लोग माइनस करते हुए आपने ब्रोकरेज स्टैंप ड्यूटी दिए तो नेट आपके हाथ में कितना है तो इसलिए आप ब्रोकर क्या करना होता है माइनस तो परचेज करते हुए क्या करेंगे माइनस अब आपके दो तरह के इन्वेस्टमेंट होते हैं आपके और एक और चीज ख्याल रखने में ब्रोकरेज का कैलकुलेशन हमेशा परचेज या सेल्स प्राइस है इंटरेस्ट में आगे, आगे आपको बताऊंगा कम इंटरेस्ट एक्स इंटरेस्ट की जब बात है तो वो आपका फेस वैल्यू पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है लेकिन ब्रोकरेज आपको, किस पे हो जो भी हो। अब आपको दो तरह के करंट इन्वेस्टमेंट और एक लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म मतलब नॉन करंट को भी कहते हैं तो करंट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है करंट इन्वेस्टमेंट वो चीज होती है था? कि जिसका हमारा इट्स नेचर रेडिली रियलाइजेबल एंड इज इंटेंडेड टू हेल्ड फॉर नॉट मोर देन वन एक साल से ज्यादा मैं उसको होल्ड करना नहीं चाहिए तो एक साल से ज्यादा अगर आपका होल्ड करने का इंटेंशन है तो फिर वो करंट इन्वेस्टमेंट नहीं एक नॉट होल्ड नॉट फॉर मोर देन वन ईर तो मेरा उसको इंटेंशन होल्ड करने का एक साल से ज्यादा नहीं है तो एक साल से ज्यादा जब उसको होल्ड करने का इंटेंशन नहीं है तो दैट इज वो आपका क्या नॉन करंट वो आपका अगर एक साल से ज्यादा होल्ड करने का नहीं दैट इज ये अगर और ख्याल रखना कहां से आपको डेट काउंट करना है वन ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स एक्विजिशन जिस तारीख को आपने इन्वेस्टमेंट को परचेज करें उस तारीख से आप देखेंगे आपका इंटेंशन की उस तारीख से आपसे क्या एक साल से ज्यादा होल्ड करने का है? तो वो आपका लॉन्ग टर्म होगा एक साल से कम है तो वो करंट होगा आपका ठीक है अब देखो यहां क्लासिफिकेशन के तो मैंने एक सेपरेट

होल्ड करने का तो उसको हम कहते करंट इन्वेस्टमेंट उसको हम सॉरी एक में एक साल से ज्यादा अगर है तो उसको कहते हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अदरवाइज एक साल से कम उसका इंटेंशन होल्ड करने का फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन उसको हम कहते हैं करंट इन्वेस्टमेंट ओके अभी करंट इन्वेस्टमेंट का क्लासिफिकेशन यहां पे इसको वैल्यूशन कैसा था कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर तो जो भी लोअर होगा उसमें तो अपने वैल्यूशन करना रहेगा एनी रिडक्शन और रिवर्सल इज रिफ्लेक्टेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उसकी वैल्यू में जो भी वैल्यू तो करना टर्म इन्वेस्टमेंट वो है बेटा जो करंट इन्वेस्टमेंट नहीं होता ठीक है तो ये यूजन करते वैल्यूशन करना है लेकिन अगर उसका डिक्लाइन उसकी वैल्यू अदर टेम्परी इज नेंट अगर उसकी वैल्यू परमानेंटली डिक्लाइन

तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट आपके सामने यहां पर बेटा तो अमाउंट के ना तीन कॉलम होते, के कितने होते ती, एक होता है इंटरेस्ट फेस का कॉलम और एक किसका इन्वेस्टमेंट का कॉलम ये तीन कॉलम आपके होंगे किसमें इन्वेस्टमेंट अकाउंट अब ख्याल रखना ये फेस वैल्यू वाला कॉलम है दैट इज ए मेमोरेंडम कॉलम मतलब उसका कोई बुक्स ऑफ अकाउंट से कोई लेना देना नहीं हम उसको सिर्फ कॉलम के लिए ऐड करते हैं कि हमको पता है कि इंटरेस्ट का कैलकुलेशन फेस वैल्यू पे होता है तो इसके ऊपर कैलकुलेशन तो फेस वैल्यू क्या रेफरेंस के फेस वैल्यू तो से कॉलम यहाँ पे दे रखा है अब इन्वेस्टमेंट में आप एक इंटरेस्ट का भी आप कर इंटरेस्ट तो का भी कैलकुलेशन कैलकुलशन इंटरेस्ट का कॉलम रहा और ये आपका इन्वेस्टमेंट का कॉलम है लेकिन तीन चीज आपने ख्याल रखना है पे कि तीन टर्म्स आपको पता रहे कहीं ना कहीं मैंने लिखा होगा यस कम इंटरेस्ट एक्स इंटरेस्ट के बारे में लिखा आप ध्यान से मेरी बात सुनिए तो मैं सारी एंट्रीज पे लेकिन इसके पहले आपने कंसेप्ट को समझा कम इंटरेस्ट एंड एक्स इंटरेस्ट होता क्या कि फॉर एग्जाम्पल इसको आप यहाँ पे देखें मैंने कहा कि साल शुरू हुआ एक ऑफ फर्स्ट ऑफ अप्रैल ट्वेंटी फोर का मेरा साल शुरू हुआ और थर्टी फर्स्ट ऑफ जुलाई को सपोज मैंने कोई इन्वेस्टमेंट परचेस करा अब जिससे भी परचेज कर जैसे आपकी स्क्रीन पर स्वीटी दिख रही है अब इस स्वीटी से अपने परचेज करी स्वीटी रोने लगी मैं लग, स्वीटी क्या हो गया तो स्वीटी कहती है कि देखो सर साल में दो बार इंटरेस्ट जो कंपनी के डिबेंचर मेरे पास है जो आप मुझसे खरीदना चाह रहे हो मैंने हाँ स्वीटी मैं तुमसे खरीदना चाहता हूं तो जो कंपनी साल में दो बार डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट देती है एक थर्टी मार्च को देती सपोज और एक तीस सेप्टेबर को देती तो रोने लगी तो मैंने रोने की क्या बात है वो कहते कि सर आप थर्टी ऑफ जुलाई को मेरे से डिबेंचर ले रहे हो थर्टी ऑफ जून को जो भी होल्डर रहेंगे उसको इंटरेस्ट दिया जाता तो मैंने कहा थर्टी ऑफ जुलाई को आपने क्या करे बच्चे यहाँ पे थर्टी फर्स्ट ऑफ जुलाई को आपने मैंने अपनी स्वीटी से परचेस करे तो बोले कि सर थर्टी थप्टेंबर को आप होल्डर रहोगे तो आपको इंटरेस्ट मिल जाएंगे पूरे छह महीने का फ्रॉम द लास्ट ड्यू डेट और ये जो भी आपके यहाँ पे ड्यू डेट मिले सही बात है लेकिन वो कहती है कि नहीं सर मगर थर्टी फर्स्ट जुलाई तक तो मैंने होल्ड करके रखी थी ना तो पिछले बार उसको इंटरेस्ट मिलों इकतीस मार्च को तो ये इकतीस मार्च से ये इकतीस मार्च थर्टी फर्स्ट जुलाई तक ये इकतीस मार्च से थर्टी फर्स्ट जुलाई तक तो स्वीटी ने होल्ड करके रखती ना इस पीरियड को उसका इंटरेस्ट उसको मिला नहीं इसीलिए हम उसको परचेस करते वक्त जब हम उससे थर्टी फर्स्ट जुलाई को अपन यहाँ पे परचेस करेंगे तो अपन क्या करेंगे बच्चों पर स्वीटी को यहाँ पे अपने को इंटरेस्ट देना रहेगा जब अपन इसको पे इंटरेस्ट देंगे तो अपने लिए होगा। तो अब होता है कि जिसमें इंटरेस्ट का कंपोनेंट इंक्लूड नहीं फॉर एक्साम्पल स्वीट अपने पे इन्वेस्टमेंट परचेस करें तो इन्वेस्टमेंट के लिए अपने उसको सौ दिए और क्योंकि चार महीने उसके पास वो डिबेंचर था फ्रॉम द लास्ट यूनिट जब भी उसको इंटरेस्ट मिलेगा उसके बाद से इकतीस जुलाई को हमने खरीदे तो वो कह कि चार महीने के उसको अपन इंटरेस्ट देंगे वो था इंटरेस्ट और टोटल अमाउंट जो अपन उसको पे करें ख्याल रखना ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा ख्याल रखना जब हम लोग इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे तो इन्वेस्टमेंट कॉलम में हमेशा एक्स इंटरेस्ट वैल्यू इन्वेस्टमेंट कॉलम हमेशा क्या आएंगे आपकी एक्स इंटरेस्ट वैल्यू वाले इंटरेस्ट कॉलम में आपका इंटरेस्ट आएगा और बैंक कॉलम में आपका कहेंगे कम इंटरेस्ट वैल्यू आपको कहां आएगा बैंक कॉलम में वो आएगा इस चीज को आपका अच्छे से ख्याल रखना बेटा ठीक है तो एक आपका इन्वेस्टमेंट कॉलम किसको रिप्रेजेंट कर इंटरेस्ट का मतलब कैलकुलेशन तो आपका आएगा ही आएगा लेकिन इसमें एक्स इंटरेस्ट का मतलब होता है कि आपको उसमें इंटरेस्ट अभी ऐड नहीं फिर आपने इंटरेस्ट ऐड करे तो कम इंटरेस्ट हो जाता है तो जो आपके तीन कॉलम है ना ये जो तीन, तीन कॉलम अपन ने जो यहाँ पर देखे जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जो तीन अमाउंट के कॉलम है फेस वैल्यू तो फेस वैल्यू लिखना उसको कोई रेलेवेंस नहीं दैट इज जस्ट फॉर द रेफरेंस पर्पस इंटरेस्ट कॉलम में अपने को इंटरेस्ट लिखना रहेगा और इन्वेस्टमेंट कॉलम में अपने को इन्वेस्टमेंट 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 लिखना रहेगा कौन सा एक्स इंटरेस्ट रिमेंबर दैट कॉलम में एक्स इंटरेस्ट वैल्यू हमेशा इन्वेस्टमेंट कॉलम में आएगी इंटरेस्ट में इंटरेस्ट आएंगे और जो आप पे करते हैं बैंक दैट इज कम इंटरेस्ट वैल्यू अब यहां पे बड़ी सिंपल सी चीज है बहुत सिंपल चैप्टर है बेटा अब आपसे कहते हैं इसकी एंट्रीज कैसे पास करते पहला आपने जब इन्वेस्टमेंट परचेस कर तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट हमेशा इन्वेस्टमेंट किस एक्स इंटरेस्ट वैल्यू लेकिन परचेस करते हुए कोई इंटरेस्ट पे करे अगर जिससे भी हमने परचेस करे तो आपका इंटरेस्ट कॉलम में जाएगा और जो पैसा दी उसको आप करेंगे टू तो बैंक अकाउंट तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू तो बैंक अकाउंट अब ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट आपने इन्वेस्टमेंट बेचे तो पैसा आया आपने इन्वेस्टमेंट बेचे तो पैसा आपके पास आया तो क्या एंट्री पास होंगी आपकी यहां पर आप एंट्री पास करोगे बैंक अकाउंट यहां पर आप एंट्री पास करूंगे बैंक अकाउंट डेबिट आपके पास से इन्वेस्टमेंट गया तो टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट और जो भी आपका इंटरेस्ट रहेगा आएगा जो भी आपको इंटरेस्ट सेल करते वक्त आप इंटरेस्ट कलेक्ट करोगे परचेस करते हुए अगले को इंटरेस्ट पे करें वैसे ही अगर अपन बेचेंगे अगले को बोलेंगे कि मेरे पास था फ्रॉम द लास्ट ड्यू डेट अभी तक के तो मुझे वो इंटरेस्ट दो तो इंटरेस्ट अपनी इनकम होती है तो बैंक अकाउंट डेबिट इन्वेस्टमेंट कॉलम एक्स इंटरेस्ट वैल्यू और इंटरेस्ट का इंटरेस्ट का अमाउंट अब प्रॉफिट एंड सेल ऑफ प्रॉफिट एंड सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट पीएल को क्रेडिट करते तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट को डेबिट तो एंट्री पास होगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर लॉस व सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट पे तो पीएल को डेबिट करते इसका मतलब इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट उसके बाद ओपनिंग अक्रूड इंटरेस्ट क्लोजिंग अक्रूड इंटरेस्ट को रहने दो अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आपको एक्सप्लेन कर दो पीरियॉडिक इंटरेस्ट जब आपको मिलता है तो आप उसमें क्या एंट्री पास करते हो तो बैंक अकाउंट डेबिट टू तो इंटरेस्ट अकाउंट सिंपल है हाँ इंटरेस्ट ट्रांसफर पीएल में आप क्रेडिट करते हो तो इन्वेस्टमेंट को डेबिट करोगे या इंटरेस्ट कॉलम को डेबिट करूंगे यहाँ पे तो इंटरेस्ट और इनकम अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अब एक चीज मैं आपको पहले बता दो बेटा जहां पर बच्चे गलती करते हैं ठीक है तो एक कम इंटरेस्ट एक्स इंटरेस्ट के बारे में तो मैं आपको वेरी सिंपल हमको सारी चीजें चाहिए इंटरेस्ट भी चाहिए कम इंटरेस्ट क्योंकि तीनों का ट्रीटमेंट अलग है एक्स इंटरेस्ट जाता है मेरा इन्वेस्टमेंट कॉलम इंटरेस्ट जाता है मेरा इंटरेस्ट कॉलम और कम इंटरेस्ट मतलब उतना पैसा मैंने दिया या सेल करते वक्त लिया तो तीनों में कुछ चाहिए अगर क्वेश्चन में उसने एक दिया तो दूसरा अपने कैलकुलेट करना रहेगा दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो जहां पर आप गलती करते हो पता है आप गलती कब करते हो जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो कि जब आप जब आप गलती हम लोग कहां करते जब हम लोग यहां पे पे करते जब आप परचेस कोई करते हो तो आप कैलकुलेट करते हो ना कि इंटरेस्ट कितना पे करेंगे परचेस करते हुए तो एक चीज अपने दिमाग में बैठा हो बस वही आपको करना रहेगा क्या चीज करते फ्रॉम द लास्ट ड्यू डेट फ्रॉम द लास्ट ड्यू डेट टू द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन इसको यहां पर मैंने लिखा भी हाईलाइट करा फ्रॉम द लास्ट ड्यू डेट द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन फ्रॉम द लास्ट डूरियट टू द डेट ऑफ ट्रांजे तो जो भी लास्ट है उससे लेके डेट ऑफ ट्रांजेक्शन तक जो भी इंटरेस्ट आपका रहेगा वो जो भी पीरियड आपका उतने पीरियड कंपनी को इंटरेस्ट देना तो वो एक ऐसा होता है, है ये एक एरिया में गड्ढा और गड्ढे में जनरली अपन गिरते हो गलती मां करते एरिया जहां पर आप गलती करते हो तो आपको क्या करना रहेगा फ्रॉम द लास्ट ड्यूरियट फ्रॉम द लास्ट ड्यूरिय टेट ऑफ ट्रांजेक्शन लास्ट ड्यूरियट से डेट ऑफ ट्रांजेक्शन जो पीरियड उतने पीरियड का इंटरेस्ट का कैलकुलेट अगर आपने बेचे फ्रॉम द लास्ट यूरियट टू द द डेट ऑफ सेल किए फ्रॉम दफ सेट टू द डेट ऑफ बर्थ उतने पीरियड का ही अपने को इंटरेस्ट वो परचेज करते वक्त देना होगा और सेल्स करते वक्त अपने को कलेक्ट करना इसको ये फ्रेज याद रखना फ्रॉम द लास्ट डूरियट टू द डेट ऑफ ट्रांस इस फ्रेज को आपने याद रखना ठीक है तो व्हाट इज दिस कम इंटरेस्ट एक्स इंटरेस्ट प्लस इंटरेस्ट उसको हम कम इंटरेस्ट कहते व्हाट इज एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट माइनस इंटरेस्ट हम उसको क्या कहते कहते हम उसको कहते। तो हमको हर चीज पता रहना चाहिए कि कम इंटरेस्ट कितना कितना और इंटरेस्ट कितना क्योंकि आपका तीनों का ट्रीटमेंट आपका क्या अलग अलग है अब कुछ नोट आपने बेसिक चीजें ख्याल रखना बेसिस ऑफ कैलकुलेशन कि हमेशा इंटरेस्ट फेस वैल्यू पे कैलकुलेट करा जाता है फिरऑर्डिकली हो सकता है क्वार्टरली हाफ ईयरली ईयरली जो भी उसने अपने को क्वेश्चन में दिया है और जो भी होल्डर जो रिसीव कौन करता है जो डेट ऑफ ड्यू डेट जो रहती है उस तारीख को जो भी होल्डर है तो उसको ये इंटरेस्ट वहां पे मिलता है ठीक उसको इंटरेस्ट मिलेगा अब मैंने कहा कि दो तरह के हमारे इन्वेस्टमेंट हो सकते इन्वेस्टमेंट करें और दूसरा हो सकता अगर अगर तो है बोनस शेयर्स का क्या होता है डिविडेंड का राइट इश्यू इसका ट्रीटमेंट क्या हम लोग क्विक रिविजन कर लेते उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे सारी चीजें हम लोग यहाँ पे कवर करते ऐसी भी कोई भी चीज नहीं कि आपने यहां पे कुछ स्किप करे उसको ठीक है अब देखो उसके बाद वो क्या कह रहा है आपसे

और मुझे इसके बाद डिविडेंड मिलता है और वो डिविडेंड मेरे एक्विजिशन के पहले के पीरियड का मुझे डिविडेंड मिल रहा है वो मिलेगा क्योंकि मैं इस तारीख को होल्डर हूं जिस तारीख को डिक्लेयर कर तो मेरे एक्विजिशन के मेरे एक्विजिशन के पहले के पीरियड का अगर वो डिविडेंड है तो फिर क्या करना रहता है आपको वो हमको अकाउंट कहता है कि आप वो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट को उससे कम कर देंगे तो यहां पे एंट्री पास होती है बैंक अकाउंट डेबिट इन्वेस्टमेंट अकाउंट तो आपको जब डिविडेंड डिविडेंड ऑफ क्रेडिटिंग टू इनकम अकाउंट अपन किसको क्रेडिट करेंगे हम लोग किसको क्रेडिट करेंगे हम लोग उसको क्रेडिट करेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट को लेकिन मेरे एक्विजिशन के बाद का मैंने सपोज यहाँ पे एक्वायर करा और इसके बाद के पीरियड में से डिविडेंड दिएगा तो उसको नॉर्मल डिविडेंड इनकम और क्रिएट को को करना पड़ेगा अब आपको देखो यहां पर उसने एंट्री यहां पे शायद मैंने यस देखो तो प्री एक्विजिशन डिविडेंड तो उसकी एंट्री पास करते हैं बैंक अकाउंट बैंक अकाउंट डेबिटेड टू तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट ये एंट्री पास करते तो डिविडेंड फॉर ए पीरियड बिफोर शेयर एक्विजिशन तो ट्रीटेड इज कैपिटल रिसिव क्रेडिटेड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट आप उसको इन्वेस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट करना होता है क्योंकि आपके एक्विजिशन के पहले के प्रॉफिट में से दिया जा रहा है तो कैपिटल ने, नेचर का है तो बैंक अकाउंट डेबिट इन्वेस्टमेंट अकाउंट एंट्री पास करते हैं लेकिन आपको कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से कम होती है ऑब्वियसली लेकिन मेरे एक्विजीशन ये एक्विजीशन के बाद के पीरियड में अगर मेरे को डिविडेंड दिया तो हम लोग किसको क्रेडिट करते हम लोग डिविडें को क्रिएट करते क्या एंट्री पास करते बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंट इनकम अकाउंट ये हम लोग उसकी एंट्री पास करते ओके अब दूसरी चीज आपको ख्याल रखें इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू बात चले अब दूसरा एक हो सकता है आपसे कि आपको यहां पे बोनस इश्यू तो बोनस शेयर्स का अपने को देखो कि आपको बोनस इश्यू करे उसके बारे में बात नहीं करे वो तो जो कंपनी इश्यू करे वो अपनी अकाउंटिंग एंट्री पास करे

फेस वैल्यू ना लिखते हुए नंबर ऑफ शेयर्स लिखना होता है तो सपोज मेरे को बोनस शेयर्स मिले पांच हजार तो मैं नंबर ऑफ शेयर्स कॉलम में पांच हजार शेयर लिखूंगा डिविडेंड जीरो ऑन इन्वेस्टमेंट कॉलम में ये इंपॉर्टेंट आप जीरो लिखे अब आप बोलेंगे सर क्यों जीरो लिख रहे द रीजन इज दैट कि मेरे को वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट वो शेयर्स मिले मैंने उसके बदले में कोई पैसा दिया नहीं मैंने उसके बदले में कोई भी पैसा दिया नहीं तो जब मैंने उसके बदले में कोई पैसा ही नहीं दिया मैं तो इन्वेस्टर मेरे को फ्री ऑफ कॉस्ट मिले तो इन्वेस्टमेंट कॉलम में आप कुछ भी नहीं लिखते वहां पर जीरो लिखेंगे और आपको नंबर ऑफ शेयर वाला जो कॉलम है वहां पर आपको जो भी नंबर ऑफ शेयर मिले उतना आपको लिखना रहेगा अब वही बोनस शेयर के बारे में आपसे कहता है कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट इसलिए इसलिए कहते हैं इसले इसले है कहते है इसको क्योंकि जो आपका जो कंपनी इशू कर रही है वो आप रिजर्व को कम करती है क्योंकि उसका पैसा तो मिलेगा नहीं वो रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंट्री पास करती तो कैपिटल तो वो कंपनी का बढ़ रहा है लेकिन उसके बदले में उसको को पैसा आ रहा है क्या नहीं तो एक्चुअली रिजर्व को यूटिलाइज करके कैपिटल बढ़ाती इसलिए उसको कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट कहते एनी वेज तो हमको तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिले हमको क्या मिले फ्री ऑफ कॉस्ट इसको मिले तो हम लोग क्या करके नो एंट्री इन द कैपिटल कॉलम ऑफ द इन्वेस्टमेंट इसमें कुछ भी नहीं करेंगे आप लोग इन्वेस्टमेंट कॉलम में अपने को कुछ भी नहीं लिखना रहेगा हम लोग को सिर्फ यहाँ पे फेस वैल्यू कॉलम बोलो या नंबर ऑफ शेयर कॉलम जो है वहां पर बस अपने को लिखना रहेगा जो नंबर ऑफ शेयर यहाँ पे जो भी है उतना लिखना रहेगा अब तीन चीज अपने को सीखना था कि डिविडेंड का क्या ट्रीटमेंट करेंगे फिर अपन ने बात करी बोनस शेयर्स का क्या ट्रीटमेंट करेंगे इन्वेस्टर, और आखिरी वाला आता है राइट इशू तो राइट इशू होता है कि जब कोई कंपनी शेयर इशू करती तो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को पहले ऑफर करती क्यों भाई बाहर लोगों को ऑफर करो उसमें खर्चा ज्यादा होगा उनको एडवर्टीजमेंट करो इन ऑल है तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर लेटर भेजो उनको ऑफर दे क्या आप खरीदना चाहते हो अगर वो नहीं खरीदना चाहे तो फिर हम इसको बाहर वालों को ऑफर करते अगर वो नहीं खरीदना चाहे तो हम लोग क्या करते हैं होल्डिंग्स कंपनी लॉ मेक इट मैंडेटरी फॉर कंपनी डायरेक्टर टू ऑफर दिस शेयर फर्स्ट टू एक्जिस्टिंग शेयर होल्डर तो पहले example, उनको पहले ऑफर दिया जाता है एक्जिस्टिंग शेयर क्या आप खरीदना चाहते हो क्या अब यहां पे इस को अच्छे से समझना कम राइट और एक्स राइट मैं आपको रिवाइज करा देता हूं हमने रेगुलर क्लास में इसको बहुत डिटेल में बात की थी कम राइट राइट और एक्स क्या होता है लेकिन आप लोगों को क्या एग्जामिनेशन में कैसा है, तो वैसा ही ट्रीटमेंट आपको देना रहेगा अब ध्यान से आप सुनिए होता है क्या आपसे यहां पर यहां पे कि ज, यहीं से मैं पढ़ता चलिए इफ यू बॉट इन्वेस्टमेंट विद कम राइट एंड देयर वैल्यू ड्रॉप्स आफ्टर एक्स राइट क्या होता है कि जैसे ही मार्केट में थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको मैं रिवाइज करा देता हूं कि क्या होता है कंपनी जब भी कोई ऑफर अभी दी नहीं है मगर अनाउंसमेंट कर देती है कि हम लोग राइट इशू करने वाले तो एकदम से अचानक से मार्केट में उसकी डिमांड बढ़ जाती है क्यों क्योंकि राइट इशू जनरली मार्केट प्राइस से कम पे ऑफर करता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर क्यों उसे अट्रेक्टिव बनाने की ताकि वो शेयर होल्डर्स उसको खरीद ले तो अभी हमने ऑफर दिए नहीं लेकिन अनाउंसमेंट कर देते कि हम भाई राइट इशू होने वाला है तो एकदम से मार्केट में उसकी वैल्यू बढ़ जाती है लोग खरीदो 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 ये कम कीमत पर कंपनी ऑफर करने वाले आगे तो इसको अभी शेयर्स खरीद लो क्योंकि जिस तारीख को ऑफर करेगी जो भी शेयर होल्डर है उसको वो मिलेगा

रुपए के शेयर्स खरीदे पचास हजार खरीदा के मैंने बाद में चलके अगर उसकी वैल्यू चालीस हजार पचास हजार रुपए की लिए था आगे चलकर चालीस हजार उसकी वैल्यू होगी उसका एक्स राइट वैल्यू बोलो जितने याद रखना तो एक्स कम राइट वैल्यू और एक्स राइट वैल्यू तो कम राइट वैल्यू मतलब जितने मार्केट से कम राइट वैल्यू का मतलब जितने मार्केट से उसको लिए थे जब उसकी वैल्यू ज्यादा थी अनाउंसमेंट के बाद और ऑफर करे बाद मार्केट में जो वैल्यू थी उसका वैल्यू थे तो पचास हजार में मैंने लिया था बाद में चालीस हजार रुपए हो गई तो फिर आपको क्या होता है वो कहते हैं कि दस हजार रुपये उसकी वैल्यू अगर कम हो गई जैसे होगी वैल्यू उसकी कम हो गई तो वैल्यू इट इज लोअर देन द कम राइट वैल्यू तो आपको जो सेल ऑफ राइट करके कंसेप्ट मैं सेल ऑफ राइट पे आ जाता फिर मैं वापस इस पे कम और सॉरी कम राइट वैल्यू और एक्सराइट वैल्यू पे आता हूं वॉट इज सेल ऑफ सेल आपका सेल ऑफ राइट आप क्या चीज होती है अब कैसा होता है कि मैंने आपको सब आपको कोई शेयर ऑफर कर आपको बोला आप खरीद लो आपने बोले सर नहीं खरीदा तो बोला मत खरीदो मैं बाहर वालों को भेज दूंगा लेकिन आप बोलते नहीं सर मेरा एक दोस्त है आपने बोले कि मेरा एक दोस्त है ठीक है सपोज आप हो विराट कोहली और आपकी कोई फ्रेंड है अनुष्का तो आप विराट मतलब विराट, विराट विराट आप खरीदना चाहोगे तो आपने बोले नहीं सर मैं तो नहीं खरीदना चाहता हूं बोले अनुष्का खरीदना चाहिए अब अनुष्का के लिए आपने ऑफर करके अनुष्का खरीदना चाहेंगी अब उसमें क्या हुआ यहाँ पे कि आपने अनुष्का को तो बोले कि सर अनुष्का खरीदना चाहिए अब उसको दे दो कम कीमत पे तो मैं अनुष्का को दे दूंगा लेकिन आप वो बहुत चालाक आप विराट और आपने अनुष्का बोले देखो अनुष्का रिश्तेदारी अपनी तरफ और कमर्शियल वर्ल्ड अपनी तरफ बोले देखो मेरी वजह से, अप, मैं रिलायंस मेरी से रिलायंस की कम कीमत पर मिल, की मिल रहे तो आपने क्या कहा आपने अनुष्का देखो कम कीमत पे तुमको तो मुझे कुछ पैसा सेल ऑफ राइट तो विराट अनुष्का कोई शेयर्स नहीं बेच रहा है सेल ऑफ राइट बेच रहा है उसकी कहने की वजह से मैं कम कीमत पे विराट को ना देते वो मेरा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर मैं अनुष्का को ऑफर दे रहा हूँ क्योंकि उसको अनुष्का को कम कीमत पे ले विराट ने आप विराट शेयर से नहीं, बेच रहे।, तो टेल कि बैंक शेयर, नहीं वो बेच रहे तो वो इनकम होती तो बैंक अकाउंट डेब्यू पीएनएल में जाती है। तो जो इन्वेस्टर होता तो है उसको पीएनल अकाउंट में लेके जाता है एग्जाम्पल यहां का लेता मिस्टर एक्स एक्वाइटर टू हंड्रेड कम राइट आपको एक्स आपने पचास हजार रुपए शेयर लिए थे बेटा और मैंने ऑफर करा एक पे एक शेयर आ, मतलब किसी का साथ एक शेयर तो एक शेयर में ऑफर करा राइट इश्यू एक सौ दस रुपए में तो आपके पास सब दो सौ शेयर थे बेटा तो मैंने आपको 200 शेयर ऑफर कर कितने में एक सौ दस रुपए में तो 200 सो मल्टीप्लाई बायो दस करोगे तो वो बाविस हजार आता होगा दो सो मल्टीप्लाई बाय एक सौ दस करेंगे दो सो मल्टीप्लाई बाय एक सो दस करेंगे तो दैट विल कम ट्वेंटी टू थाउजेंड तो बाविस हजार रुपये में क्या हो बेटा आपको कि मैंने राइट इशू ऑफर किया अब अगर आपके पास एक ऑप्शन आप सब्सक्राइब कर लो तो आप खरीद लो आप, आप खरीदना चाहो तो खरीद लो तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अगर आप अकाउंटना नहीं चाहो तो सेल ऑफ राइट कर सकते हो तो आपने पंद्रह अनुष्का को बेच दिया अब जो शेयर आपने खरीदे थे पचास हजार रुपए के आपके पहले से थे उसकी मार्केट में वैल्यू होगी बाद में चालीस हजार रूपये तो आप उसकी एक्स राइट वैल्यू की चालीस की दस हजार रुपये वैल्यू कम होगी और आपने सेल ऑफ राइट कितने का कर बेटा पंद्रह का तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहते पंद्रह हजार रुपए पूरा का पूरा पीरियल अकाउंट में लेके नहीं जाओ क्योंकि आपका एक्स इंटरेस्ट इज लोअर देन सॉरी एक्स इंटरेस्ट करो एक्स राइट इज लोअर देन कम राइट वैल्यू तो आप एक्स राइट वैल्यू क्योंकि कम राइट वैल्यू से कम है तो आप क्या कहते हो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या कहता है कि नहीं अगर एक्स राइट वैल्यू कम राइट वैल्यू से कम है यहां पर कितने कम है पचास की चीज चालीस भागे दस हजार से कम है तो आपको जो सेल ऑफ राइट के पंद्रह हजार रुपए आप पहले इन्वेस्टमेंट अकाउंट में उसको दस हजार से उसकी वैल्यू को कम कर दो तो आप एंट्री क्या पास करोगे बैंक अकाउंट बैंक अकाउंट इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट को कम रहे कब, 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 कब होता है जब आप लोग का वेन एक्सराइट वैल्यू एक्सराइट वैल्यू इज लोअर देन कम राइट वैल्यू तो जो उस वक्त आप करते हो तो आपने यहां पर आप एक्सराइट वैल्यू चालीस हजार रुपए तो पचास की चीज चालीस पे दस से कम हुआ तो आप यहाँ पे डेबिट करोगे पंद्रह हजार रुपए आपके पास है दस से आपकी वैल्यू कम है दस और आपका जो बच्चे में पांच अगर बसे तो आप पीएनल अकाउंट में लेके जाएंगे लेकिन कब इन्वेस्टमेंट अकाउंट में एडजस्ट करते वन एक्स राइट वैल्यू इज लोअर देन द कम राइट वैल्यू जब आपकी कम राइट वैल्यू जो थी उसकी वैल्यू कम हो गई शेयर इशू करे बात तो वैल्यू कम होगी तो आपका लॉस हो गया लॉस का इन्वेस्टमेंट अकाउंट की कॉस्ट में उसको एडजस्ट करा जाता है और उसके ऊपर फिर कोई बच्चा है तो देन मगर कब ये जो आप सेल ऑफ राइट करो वो पैसा है उसको तो बैंक अकाउंट डेबिट टू पीएल आप डायरेक्टली नहीं करना पहले आप देखना कम राइट और एक्स राइट वैल्यू कंपेयर करें लेकिन मैं आपको सच बताऊं जितने भी क्वेश्चन करोगे इंस्टीट्यूट के वो आपको इतना कम राइट एक्सराइट वैल्यू का खेल खेलते ही नहीं वो सेल ऑफ राइट सिंपल सेल ऑफ राइट रहेंगे अभी अपन क्वेश्चन में देखेंगे सेल ऑफ राइट को सिंपल से आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रांसफर कर देना आपने कभी क्वेश्चन आपको छोटा मोटा दो नंबर के लिए पूछ सकता है एक रेगुलर बैच हमने किए थे आईसी के स्टडी मेटल में भी कैसा क्वेश्चन है यही वाला जो फिग मेरे लिए ऐसे ही कुछ क्वेश्चन है तो आपके अगर एक्स राइट वैल्यू कम राइट वालू से कम है तो जो डिफरेंस है वो आप सेल ऑफ राइट की वैल्यू जो है उससे कम एडजस्ट करें फिर भी सेल ऑफ राइट का बैलेंस कुछ बचता है दैट वी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ठीक है अपन पे डिस्कस करें किसके बारे में हम लोगों का यहां पे हमने डिस्कस करें इन्वेस्टमेंट अकाउंट किस तरीके से बनाया जाता है तो आपने डिविडेंड बोनस और आपने राइट इश्यू का ख्याल रखना आपने और कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट के बारे में आप ख्याल रखें ठीक है अब देखेंगे यहां पे हम क्वेश्चन वो क्या कह रहे हैं आपसे द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन द फॉलोइंग

और ये कॉस्ट लिखा एक लाख अठारह हजार ठीक है अब ध्यान से ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है आपने को इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना था। तो कहीं इसके इंटरेस्ट के बारे में से कहा तो रीड कर लू पहले वो 30 सितंबर को और 31 मार्च को इंटरेस्ट दे रहे ठीक है अब मेरा साल शुरू हुआ मेरा साल शुरू हुआ यहां पे कब शुरू हो रहा है भाई रहे जैसगी मे मिनट अच्छा कैलेंडर ईयर फॉलो करें कोई दिक्कत नहीं एक जनवरी 2021 को साल शुरू हुआ 31 दिसंबर 2021 को साल खत्म हुआ इंटरेस्ट वो कितने बार आपको दे रहे हो इंटरेस्ट आपको साल में दो बार दिया जा रहे कब दे रहे आपको इकतीस मार्च और तीस सेप्टेंबर को तो तीस सेप्टेंबर को इंटरेस्ट दिया अपन यहां पर बचो फर्स्ट जनवरी को आपने ओपनिंग बैलेंस लेकिन क्या हो रहा है पिछले बार आपने जो पिछले बार आपको इंटरेस्ट कब मिलाऊंगा पिछले बार इंटरेस्ट मिलाऊंगा मिला थर्टी फर्स्ट ऑफ मार्च को ऑफ कोबर को, 30, को मिला आप कब शुरू करें फर्स्ट ऑफ जनवरी को शुरू करें तो पिछले बार इंटरेस्ट आपको कब मिलेगा थर्टी ऑफ सेप्टेंबर को तो वो आपका क्लोजिंग अक्रूड इंटरेस्ट पिछले बार का ओपनिंग अक्रूड इंटरेस्ट तो ये तीन महीने का ओपनिंग अक्रूड इंटरेस्ट हो गया ठीक है तो आप कैलकुलेशन यहाँ पे कैसे करेंगे एक हमेशा इंटरेस्ट फेस वैल्यू पे कैलकुलट एक लाख बीस और फेस वैल्यू नौ परसेंट गवर्नमेंट बॉन्ड से और तीन महीने का फ्रॉम द लास्ट ड्यू डेट यूनिट ओपनिंग डेट तक थ्री बाय ट्वेल्व दो हजार सात सौ आपने इंटरेस्ट लिखे यहाँ पे दो हजार सात सौ उसके बाद वो क्वेश्चन में आपसे कहता है फिर आपने एक जुलाई को बेचे कितने यूनिट बेचे बेटा पांच सौ यूनिट एक्स राइट वैल्यू एक्स इंटरेस्ट वाली सॉरी एक्स इंट्रेट आउट ऑफ द ओरिजिनल होल्डिंग हंड्रेड जो ओरिजिनल होल्डिंग थी आपके पास जो आपके पास ये जो भी आपके पहले आपके पास ओपनिंग जो भी जी, पहले के जो रखे हुए थे ओपनिंग अच्छा आपने परचेज मैंने नहीं लिखा कि सॉरी ये परचेज मैंने नहीं लिखा परचेज का आप लिखेंगे पहले वो तो ओपनिंग था आपका परचेज ठीक है अब आपने परचेज बेटा ओके तो आपने परचेज की सॉरी खरीदे आपने तो दो सौ खरीदे नाइनटीट एक्स ट्वेल्व उसने दिया तो पहले तो यहां पे बैंक अकाउंट डेबिट सॉरी अपना इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट आपने खरीदे थे, थे इन्वेस्टमेंट अकाउंट को अब आपने खरीदे कितने दो सौ सौ रुपए की फेस वैल्यू तो आपका ट्वेंटी थाउजेंड फेस वैल्यू में आ गया इन्वेस्टमेंट कितने का डबिट आपका वो आपका ये आपने उन्नीस हजार छह सौ हमेशा एक्स इंटरेस्ट वैल्यू अपने को लिखना रहेगा तो आप एक्स इंट्रेस वैल्यू कैलकुलेट कैसे करते हो आपको यहां पे कौन सी डेट दी उसने आपको उसने डेट दी एक जुलाई एक सॉरी एक जुलाई नीचे एक मार्च एक मार्च आपको डेट दी बेटा तो आपने यहां पे एक मार्च की बात करा यहाँ पे एक मार्च

दो सौ डिबेंचर ये बॉन्ड जो भी फेस वैल्यू सौ इंटरेस्ट कैलकुलेट फेस वैल्यू पता है पांच महीने फ्रॉम द लास्ट ड्यू डेट टू द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन तो अमाउंट आपका सेवन फिफ्टी आता है बेटा आपने इंटरेस्ट कॉलम में यहां पर इसको लिख दिया ठीक है थीके? अब उसके बाद वो आपसे कहता है यहां कि एक जुलाई को आपने बेचे पांच सौ यूनिट जो आपने ओरिजिनल वाले जो थे पहले के रखे उसमें ठीक है तो सेल करे तो आपके पैसा आया तो यहां पर सेल आपने करे तो आपने बेचे कब उसको एक जुलाई को वेटा एक जुलाई के पहले यहां पे एक जुलाई के पहले इकतीस मार्च आए तो हाफ ईयरली इंटरेस्ट मिलेगा आपको तो आप कितने डिबेंचर होल्ड करके रखे फेस वैल्यू एक लाख बीस और बीस एक लाख चालीस हजार और यू कैसे चौदह सौ डिबेंचर सौ तो रुपए का एक लाख चालीस हजार नौ परसेंट हाफ ईयरली इंटरेस्ट सिक्स मंथ का इंटरेस्ट बैंक अकाउंट डेब इंटरेस्ट अकाउंट तो इंटरेस्ट कॉलम आपने देख लिया सिंपल कैलकुलेशन फिर आपने उसको एक जुलाई को बेचे बेटा जब एक जुलाई को बेचे कितने बेचे आपने कितने बेचे हो कह रहे हैं पांच सौ यूनिट बेचे एक्स इंटरेस्ट आउट ऑफ द ओरिजिनल होल्डिंग एट रुपीज सौ सौ रुपए में बेचे सॉरी पांच सौ बेचे सौ रुपए में बेचे पार पे बेचे आपने ठीक है कोई दिक्कत नहीं तो पांच सौ आपने बेचे बेटा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट तो आपने फेस वैल्यू पे लिख पचास हर और बेचे भी फेस वैल्यू भी इसलिए पचास हर वहां पर दिख रहा है अब आपने पांच सौ यूनिट बेचे आपने ठीक है अब जब भी आप बेचते हो तो आपने बेचे कब पहले तो आप इंटरेस्ट निकाला आपने बेचे कब एक जुलाई को तो लास्ट ड्यू डेट कौन सी थी आपने एक जुलाई को यहां पर बेचे लास्ट ड्यू डेट कब थे इकतीस जुलाई सॉरी इकतीस मार्च अप्रैल मे जून आपने बेचे कब उसको एक जुलाई मतलब तीन महीने फ्रॉम लास्ट ऑफ ट्रांजेक्शन अप्रैल मे जून तो तीन महीने पे देखो उसने तीन महीने का कैलकुलेट किया था नौ परसेंट तीन महीने का और जब भी आप बेचते आपने कैलकुलेट करना चाहिए बेटा प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट तो कॉस्ट माइनस सेल माइनस प्रॉफिट और लॉस आपका आ जाएगा तो आपने जो बेचे बेटा कितने में बेचे उसके एक्स इंटरेस्ट वैल्यू लेते अपन पचास हजार में बेचे तो पचास हजार रुपए में अपन ने बेचे अब उसकी कॉस्ट कितनी तो फीफो तो क्वेश्चन में बोला भी मैंने पे देखा था फीफो बोला भी जो तो आपके ओपनिंग थे ना ओपनिंग की कॉस्ट कितनी एक लाख अठारह हजार कितने डिपेंड करते बेटा आपके बारह सौ थर्टी यस सौ रुपए के मतलब तो बारह सौ रुपये थे तो बारह सौ थे तो आपने जो एक लाख अठारह हजार जो है आपके ओपनिंग वो बारह सौ है बच्चों तो आपने अभी बेचे पांच सौ तो पांच सौ कितना तो एक लाख अठारह हजार अगर बारह सो है तो पांच सौ कितना फोर नाइन वन सिक्स सेवन आ रहा है तो चीज को आपने पचास हजार में बेचे तो आपको प्रॉफिट हो गया एट थर्टी थ्री का तो प्रॉफिट हो तो पीएल में क्रेडिट करते तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे तो आपने देखो इन्वेस्टमेंट अकाउंट को यहां पे डेबिट करें एट से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट करते तो आपसे कहता है एक अक्टूबर तो एक अक्टूबर के पहले तीस सितंबर तक हाफ ईयरली इंटरेस्ट मिलेगा तो हमने कितने डिबेंचर होल्ड करे ओपनिंग एक बीस, ये करट बीस किया तो 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 नब्बे हजार और इंटरेस्ट सिक्स बाई टून फोर जीरो फाइव जीरो तो ये आ गया बच्चा आपका फोर जीरो फाइव जीरो देखो यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे आपका आप कहा फर्स्ट ऑफ अच्छा ये आपने फिर फर्स्ट ऑफ अक्टूबर को फिर परचेस करे 150 सौ पचास यूनिट तो उसको आपको क्वेश्चन में दे रखा है उसने क्या कम इंटरेस्ट आपको दे रखा है बेटा ठीक है तो 150 सौ पचास यूनिट आपने परचेस करे तो आप कम इंटरेस्ट दिए तो आपने एक्स इंटरेस्ट निकालना क्योंकि इन्वेस्टमेंट कॉल में एक्स इंटरेस्ट ही है लिखते हैं अपन तो यहां पर उसने डायरेक्ट यहीं पर लिखा कि चलो ठीक है आपने यहाँ पे लिखा हुआ एक बहुत ही छोटा फॉन्ट लिखा एक सौ आपने खरीदे और आपने कितने रुपए में इसको खरीदे बच्चों वो कह रहा है आपसे एट द रेट ऑफ रुपीज नाइनटी एट जस्ट गिमी मेरे नाइन कहाँ से लाया मैंने गिव मी मिनट ये क्या हुआ एक सेकंड उसमें करेक्शन कराना पड़ेगा ये को लिखा नहीं कोई बात नहीं अपन लिख लेंगे उसमें कौन सी बड़ी बात है अब देखो मैं यहां पे कैलकुलेशन बताता हूं बेटा अब यहां पे क्या हो आपने परचेस करे इसको परचेज आपने कब करे हां डेट भी तो इंपॉर्टेंट बेटा फर्स्ट अक्टूबर का परचेज करे तो फ्रॉम द लास्ट ड्यू डेट टू द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन में कोई डिफरेंस ही नहीं है तो इंटरेस्ट का इसलिए कुछ भी नहीं है आपने नाइनटी में खरीदे एक सौ पचास मल्टीप्लाई में एक अक्टूबर को पिछली ड्यूडेट थी एक ही दिन तो तो कुछ भी आने वाला नहीं है तो नाइनटी एट यहां पर लो एक सौ पचास मल्टीप्लाई बाय नाइन्टी एट दैट इज फोर्टीन थाउजेंड फाइव ठीक है इंटरेस्ट कुछ भी नहीं आएगा लास्ट ड्यू डेट टू द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन में कोई डिफरेंस नहीं है. उसके बाद फिर आपको एक नवंबर को आपने बेचे तीन सौ यूनिट नाइनटी नाइन ओरिजिनल खरीदे थे ओपनिंग में से वो कह रहा है ठीक है तो आपने बेचे उसको नाइनटी नाइन में नाइनटी नाइन में तो यहां पर आप समझेंगे बेटा आपने आपने बेचे कब उसको कम इंटरेस्ट एक्स इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा तो आपने 99 में ट्वेंटी वो आया जरूर बेटा लेकिन आपने कौन सी तारीख को बेचे उसको एक सेप्ट एक नवंबर को बेचे अच्छा एक्स इंटरेस्ट ही आपको दिया सही है तो एक्स इंटरेस्ट ही दिया उसने तो कॉलम में जाएगा ट्वेंटी नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड लेकिन आपने बेचे एक नवंबर को उसको तो 30 थी, तो लास्ट थी अक्टूबर एक ही और कुछ है नहीं रहा। अब सेल करें आपने प्रॉफिट और लॉस उसमें कैलकुलेट करना होता है तो उसके आपने जो बेचे उसको बेचे ट्वेंटी नाइन थाउजेंड सेवन हंड्रेड में और जो आपने खरीदे थे ट्वेंटी कैसे लाया वही ओपनिंग में से एक लाख अठारह हजार आपके ओपनिंग थे बारह सौ में से आपने अभी बेचे कितने तीन सौ तो प्रपोर्शनेट लिया उसने एक लाख बारह में से एक लाख अठारह हजार बारह में से आपने तीन सौ बेच दिया दैट्स कम मच ट्वेंटी नाइन थाउजेंड फाइनल इयर तब आपका प्रॉफिट और लॉस जो भी यहाँ पे आ रहा है कितने का आ रहा है दो सौ का तो पीएनएल में क्रेडिट करते हो तो इसका आप डेबिट करते हो सिंपल है आपका अब वैसे ही उसने यहां पर बेटा क्लोजिंग बैलेंस यहां पर लिखा हुआ है आपका तो जो क्लोजिंग बैलेंस की फेस वैल्यू लिखा और उसे फीफो से उसने कैलकुलेट किया तो ओपनिंग में से एक लाख बीस से पचास चीज बेचे तो चालीस हजार प्रपोर्शन ले ली जो ओपनिंग है और ये दो बार जो परचेज करे थे वो आपके पास रखा हुआ है ठीक है तो ये आपका सेवन थ्री सिक्स थ्री थ्री आ गया और यहाँ पर आपका ये जो बैलेंस क्लोजिंग अक्रूड इंटरेस्ट भी आएगा फ्रॉम द लास्ट डेट टू दट ईयर एंड आपका लास्ट ईयर एंड हो रहा है थर्टी फर्स्ट दिसंबर को

तो यहां पे आपसे क्या कह रहा हूं वो कहता है आपसे ऑन फर्स्ट ऑफ अप्रेल ट्वेंटी टेन रजत है तो पचास पर शेयर से 15 करो 50000 को तो वो आता है आपका सेवन लाख फिफ्टी तो इसमें कुछ इंटरेस्ट का कैलकुलेशन का है ये एक अच्छी बात होती है अब वो कहता है आपसे ऑन 30th ऑफ जून उसने ही परचेस अनादर 10000 शेयर सोलह का तो 10000 नंबर ऑफ शेयर के 10000 मल्टीप्लाई बाय 16 आप करेंगे

अपने और दस खरीदे और बोनस शेयर अपने को दस मिले तो टोटल तो अपने होल्ड कितने करके रखे तीन ऑफर करेंटीप्लाई मतलब पे, पे मतलब तो पूरे नहीं वो अपने से क्या थाउजेंड में वन थर्ड अपने सेल ऑफ राइट अनुष्का ने जो विराट ने अनुष्का को बेचा था वो बेटा तो वन थर्ड इसका कितना था दस हजार वो उसने दो रुपए के हिसाब से पर शेयर सेल ऑफ राइट उसने अनुष्का का किया बीस हजार रुपए एंड लॉस अकाउंट ओके लेकिन उसने टू थर्ड खरीद लिया तो वो हो जाता है, बीस हजार कितने में खरीदा उसने कुछ कीमत दे रहा पंद्रह रुपए मल्टीप्लाई बाई फिफ्टीन तो बीस हजार मल्टीप्लाई तो कितना बच्चों ये आ गया आपका तीन लाख रुपए ठीक है तो आप यहाँ पे लिखेंगे इसको बीस हजार शेयर आपने खरीदे और ये तीन लाख रुपए के हिसाब से डन अभी बैलेंस आपको इन्वेस्टमेंट अकाउंट बैलेंस आपका जो क्लोजिंग बैलेंस है बैलेंसिंग फिगर वो आ गया दैट्स इट ओके तो दिस ऑल अबाउट इन्वेस्टमेंट चैप्टर एक चीज ख्याल रखना बस रैपिड जिसके तीन चार जो पेज से आपको रिवाइज करना रहेगा इट विल हेल्प यू सारे कंसेप्ट हमने यहाँ पे करें जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आता चेंज इन क्लासिफिकेशन ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट टू तो नॉन करंट और वाइस वर्सा तो हमने के पॉइंट ऑफ व्यू से जब करे तो उसका एक लेक्चर अलग है वहां पे अपन इसको कवर करें सो दैट इज ऑल अबाउट इन्वेस्टमेंट चैप्टर